स्वागत है आप सभी का, नमस्कार। आप है हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। रोजगार नहीं देने पर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित जुस्को कार्यालय में सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों ने जुस्को पर काम न देने का आरोप लगाया और कहा कि महामारी के इस दौर में कंपनी करोड़ों रुपए फुटबॉल प्लेयर पर खर्च कर सकती है, लेकिन गरीबों को काम नहीं दे रही। अगर हमारी समस्याओं का जल्द निवारण नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। जमशेदपुर शहर में पूरा गंदगी साफ हो गया क्या? जो काम नहीं दिया जा रहा है हम लोगों के, लोगों को इस कोरोना काल में फुटबॉल प्लेयर खरीद रहे हैं लाखों करोड़ रुपया में, लेकिन दलितों के लिए पैसा नहीं है। जुस्को के अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? जुस्को के अधिकारियों से श्रीमान प्रभात झा जी के द्वारा और पदाधिकारी का नाम नहीं जानना, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द महाप्रबंधक जुस्को के और MD साहब के साथ हम लोगों की बैठक कराएंगे और जैसा जैसा काम बढ़ेगा वैसा वैसा आदमी आप लोग का लिया जाएगा। तो हम लोगों ने उनके आश्वासन का जवाब दिया कि जल्द से जल्द बैठक कराए, अन्यथा अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठे। लैंड म्यूटेशन बिल को लेकर आज जमशेदपुर साक्ची स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर कुणाल सारंगी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि बिल को मंजूरी मिलने के बाद राज्यसभा में काफी बवाल हुआ तथा विपक्ष द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। किसानों को बरगलाने प्रयास विपक्ष लगातार कर रही है, जबकि बिल के पास होने से किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा किसान खुशहाल होंगे। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। सभा में जो दो विधेयक कल पारित हुए हैं, आप लोग सबने देखा कि विधेयक के पारित होने के बाद पूरे देश के किसानों में कितनी खुशी है और कल सदन में जिस अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष के चंद सदस्यों द्वारा सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश की गई और लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं को तार तार किया गया, राज्यसभा के उपसभापति महोदय की माइक तोड़ी गई, उनके सामने रूलबुक को फाड़ा गया और तो और आम आदमी पार्टी के एक सदस्य ने मार्शल के साथ मारपीट तक की, बिल्कुल गुंडे वाली जो प्रवृत्ति होती है, जो गुंडे तत्वों का जो कार्यशैली होता है, जो जिस तरह के उनका व्यवहार होता है, उस तरह का व्यवहार, सदन में टेबल के ऊपर डांस करना, इससे कहीं ना कहीं इनकी जो ना केवल इनका चरित्र और इनकी जो परवरिश संस्कृति है वो पता चलता है, बल्कि लोकतंत्र के लिए इनके मन में कितना सम्मान है वो भी देश की जनता ने देखा है। जो दो विधेयक हैं, एक कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020, एक कृषि कीमत आश्वासन कृषि सेवा कर करार विधेयक 2020, ये दो विधेयक कल पारित हुए हैं। तो मुख्य रूप से जो इन विधेयकों का उद्देश्य है वो है, जैसा आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले राशन कार्ड को लेकर जो विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह की पद्धतियां चल रही हैं उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए केंद्र सरकार ने वन नेशन वन कार्ड की पहल की है। उसी तर्ज पर अब वन नेशन वन मार्केट कॉन्सेप्ट के साथ इन दोनों विधेयकों को लाया गया है, जिससे जो लगभग देश की आजादी के बाद से इतने सालों तक किसानों को आज भी जो बीज के बिचौलिए हैं, जो चंद मंडियों पर जिन्होंने हाईजैक करके रखा हुआ है मंडियों के मार्केट को, वैसे लोगों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, उनकी मेहनत का जो फल उन्हें मिलना चाहिए वो सुनिश्चित करने की कोशिश इन दोनों विधेयकों के माध्यम से की गई है। मैं उनके कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आज आपके सामने रखना चाहूंगा। एक जो बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि MSP नहीं रहेगी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है गवर्नमेंट की, ताकि उन्हें उनकी फसल की सही कीमत मिल सके, उसे हटाने का प्रावधान किया गया विपक्ष के द्वारा, यह दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो ये मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी तरह से MSP को खत्म नहीं किया जा रहा है, MSP एज इट इज बनी रहेगी। ये भी दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, मंडियों को खत्म करने की कोई बात इन विधेयकों में नहीं है, मंडियां एज इट इज बनी रहेंगी। एक चीज जो विशेष तौर पर इस विधेयक के माध्यम से लाने की कोशिश की गई है वो है किसानों को ये फ्रीडम रहेगा, ये स्वाधीनता रहेगी, वो अपने फसल को अपनी उपज को पूरे देश के जिस मार्केट में बेचना चाहे उनको इसकी स्वाधीनता होगी। मार्केट के अलावा कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस जितने चैनल्स होते हैं, जिस चैनल में उन्हें लगेगा कि उन्हें अपने उपज की बेहतर कीमत मिल सकती है उन्हें वो कीमत मिलेगी, ये सुनिश्चित करने की कोशिश इन विधेयकों के माध्यम से की गई है। किसानों का जो करार होगा कंपनीज के साथ वो डायरेक्ट होगा, जो उनका बायर होगा उसके साथ वो डायरेक्ट उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस खरीदार की ये जिम्मेदारी होगी कि किसानों को वो सही तकनीकी जानकारी भी दे और करार के पहले ही प्राइस तय हो जाएगी, इतना प्राइस मुझे मिलना है। जो पहले होता था कि बेच देने के बाद फिर उसे घुमाया जाता था, किसानों को कीमत नहीं दी जाती थी, बिचौलिए बीच में आते थे, डिले होता था पेमेंट में, उन सारी चीजों को खत्म करने के लिए इसका प्रमाण मिला है कि जिसमें किसान ने अपने खेत से ही
अपनी उपज को बेचा और बायर ने ट्रांसपोर्टेशन उसे वहां पर गाड़ी भेजकर उसका ट्रांसपोर्टेशन कराया। तो ये जो दोनों विधेयक हैं, इससे जो सबसे बड़ा उद्देश्य इसका यह है कि किसान को कंप्लीट फ्रीडम दी गई है कि उसे बिचौलियों के हाथों परेशान नहीं होना पड़ेगा। ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी चीजें होंगी, तो किसानों को कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि इस प्रोसेस में इस जगह पर उनको सही जो उनकी सहभागिता है वो नहीं दी गई है। जो वो आज उपज अपनी देंगे, हैंडओवर करेंगे बायर को, उनको जो पेमेंट है सेम डे उसकी उनको रिसीट मिलेगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है, 2022 तक किसानों की इनकम को दुगनी करने के उद्देश्य के साथ ये तमाम प्रावधान किए गए हैं दोनों विधेयकों में। इनके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, वो पॉजिटिव इफेक्ट्स अभी ही दिखने लगे हैं इन विधेयकों के आने के पहले जो शुरुआती दौर है, कि विशेष तौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी जैसे राज्य जहां पर दाल की बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, वहां किसानों की आय में अभी तक 15-25% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके दस्तावेज जो है वो उपलब्ध है। अगर किसी पर्टिकुलर राज्य में आलू की उपज बहुत ज्यादा हो रही है, मान लीजिए कि जून और जुलाई के महीने में, तो क्या कर रहे हैं उसे देखते हुए जो थोक विक्रेता है उन्होंने कोल्ड स्टोरेज से ही किसानों का जो उपज है उसको उठा लिया है, ताकि किसानों को बेहतर प्राइस मिली है। एक और विपक्ष के द्वारा बार बार जो सवाल उठाया जा रहा है कि इससे किसानों का मालिकाना हक चला जाएगा, तो आपके माध्यम से मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो करार होगा किसान का बायर के साथ में, खरीदार के साथ में, वो फसल को लेकर होगा, जमीन को लेकर नहीं होगा। इसलिए किसान का मालिकाना हक जो एज इट इज है वो बना रहेगा, मालिकाना हक पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरायकेला में मेडिट्रेना अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा और पुलिस की ओर से चिकित्सक मुन्नवर अली को हिरासत मिले जाने के खिलाफ आईएमए के चिकित्सकों ने रविवार को आदितपुर थाना प्रदर्शन किया। आदितपुर थाना अंतर्गत मेडिट्रेना अस्पताल में किडनी की मरीज रेणु देवी की मौत मामले में परिजनों की शिकायत में मीडिया में समाचार चलने के बाद हिरासत में लिए गए चिकित्सक मुन्नवर अली को पुलिस की ओर से हिरासत में लिए जाने और अस्पताल में तोड़फोड़ चिकित्सक के साथ मारपीट किए जाने के मामले में आईएमए के चिकित्सकों ने रविवार को आदितपुर थाना में प्रदर्शन किया। जीटीएन के लिए नवीन प्रधान की रिपोर्ट। क्या प्रॉब्लम था उनको, उनका डायलिसिस के थे, पेशेंट की स्थिति बहुत गंभीर थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद डॉक्टर के पास एक लगता है कि इमरजेंसी का तो बहुत गलत है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और चलो इमोशन के नाम पर पेशेंट डेथ किया है उसका, जैसे डॉक्टर को और स्टाफ के साथ मारपीट करता है, बहुत ही गलत है। ये ट्रेंड चल गया है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी हाल में। जो लोग मारपीट किया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों ने केस किया, थाना में लिख दिया है? थाना में लिख दिया। अच्छा। सरायकेला जिले के कोलेबीरा स्थित त्रिलडी गांव में स्थानीय राम बारिक एवं राय मोनी देवी के घर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा घरों का ताला तोड़कर घरेलू एवं रोजमर्रा के सामान की चोरी की गई। मामले के उद्भेदन हेतु पास्कल टोपो सरायकेला अचल के अध्यक्षता में एक छापामारी दल का गठन किया गया एवं उत्तम छापामारी टीम द्वारा लगातार छापामारी संकलन करते हुए अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर त्रिलडी गांव में छापामारी किया गया, जिसमें असिक नायक, गोकुल नासक, ठाकुर हेम्ब्रम को गिरफ्तार की गई। वही पूछताछ के क्रम में इन चारों ने अपना अपना अपराध स्वीकार कर लिया है एवं इन लोगों की निशानदेही पर इस घटना में चोरी किए गए सभी सामानों का बरामद किया गया है एवं चारों व्यक्तियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जमशेदपुर से नवीन प्रधान की रिपोर्ट। थाना अंतर्गत बीते रात्रि तिरिलडी कोलाबीरा गाँव में राम बारिक एवं रायमुनी देवी के घर में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा ताला तोड़कर घरेलू एवं रोजमर्रा के सामानों की चोरी कर ली गई थी। इस घटना के त्वरित उद्भेदन हेतु मेरे नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। उप छापामारी टीम द्वारा लगातार छापामारी सूचना असूचना संकलन करते हुए अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम तिरिल्ली गांव में छापामारी किया गया। उक्त आधार पर आशीष नायक, मंटू नायक, गोकुल नायक, ठाकुर हेमरम से पूछताछ के क्रम में चारों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इन लोगों के निशानदेही पर इस घटना में चोरी गए सभी सामानों को बरामद किया गया। कितना रुपया? इन लोगों के द्वारा ये 17,000 की भी चोरी की गई थी, जिसमें 16,000 रुपया बरामद किया गया। और क्या क्या सामान बरामद हुआ? इसके अलावा TCL कंपनी का TV 1 पीस, सेटअप बॉक्स 1 पीस, स्टैंड फैन 1 पीस,
सीलिंग फैन, स्टोरेज, एम्पलीफायर इत्यादि। इच्छागढ़ अंतर्गत तिरुंडी थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों के झुंड आए दिन रात को जंगल से निकलकर खेतों में लगे धानों और फसलों को रौंद कर नष्ट कर रहा है। हाथियों ने घरों को भी तोड़कर अनाजों को चट कर जा रहा है। बीती रात सपारूम गांव में किसानों का खेत में बारी लगे धानों को हाथियों ने रौंद कर नष्ट कर दिया। हाथियों ने जनक कुमार महतो, विश्वजीत महतो, मधु महतो, सुधाकर महतो, वर्जुराम महतो के धान की खेती को अपना निवारा बनाते हुए रौंदते हुए तहस नहस कर डाला। पीड़ितों ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार की रात को उनके धान की खेती को जंगली हाथी द्वारा रौंद कर बर्बाद कर डाला गया है। इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि किसानों ने विभाग से मुआवजा देने की मांग की है। इचागढ़ से अरुण कुमार माझी की रिपोर्ट। प्रखंड तिरुल्डी पंचायत के अंतर्गत सपारण गांव में आज कई दिनों से हाथी आतंक मचा कर रखा है। यहाँ के सपारण गांव के सभी किसान भाई हाथियों से परेशान है। शाम होते ही हाथी खेती में घुसकर उत्पात मचा देते हैं, हाथी को फसल को नष्ट कर देते हैं। मैं विभाग को, फॉरेस्ट विभाग को मैं कहना चाहूँगा या सरकार को कहना चाहूँगा कि यहाँ के ग्रामीणों को सही समय पर उचित मुआवजा मिले, समय पर मिले। आपका नाम और पता? मैं तिरुल्डी पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि तपन सिंह हूँ। का यहाँ पे हाथी का आतंक मचाया हुआ है। रोज हाथी ने फसल का बर्बाद कर रहा है। जो भी सब्जी हम लोग उगा रहे हैं सब कुछ फसल बर्बाद कर रहा है। ना कोई पदाधिकारी ध्यान दे रहा है, ना कोई सरकार ध्यान दे रहा है। हम लोग का जो भी नष्ट हो रहा है खेती बाड़ी में उसका सरकार मुआवजा दे। नाम? कीर्तिवास महतो। मेरा नाम कीर्तिवास महतो है। हम सपारूम ग्राम कोयलों से बोल रहे हैं। महतो ग्राम सपारूम से। यहाँ लगभग 2009 से हाथी का आतंक लगा हुआ है, जो प्रत्येक साल करीब करीब महीना में, हर एक महीना में हाथी आते रहता है। यहाँ के लोग दोबारा लगाई गई फसल को बर्बाद कर देता है। जंगली हाथियों का झुंड बहुत दिन से हम लोग का जंगल में ये हुआ है, लेकिन हम लोग 2009 से ही फॉर्म अप्लाई करता है। वन विभाग तो बोलते रहता है कि फॉर्म भरो फॉर्म, लेकिन हम लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन प्रत्येक साल फॉर्म भरते हैं फसल नष्ट होता है तो, लेकिन हम लोग का आज तक मुआवजा नहीं दिया है। वन विभाग ना इसके ऊपर कुछ ध्यान देता है, ना हमारे यहाँ के लोकप्रिय नेता लोग भी कुछ ध्यान देते हैं। ग्रामीणों के पास ना हाथी भगाने के लिए कुछ लाइट टॉर्च की व्यवस्था है, ना कुछ मसाल की व्यवस्था। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को एक उचित मुआवजा मिले। हम लोग को हाथी भगाने के लिए कुछ लाइट बम फटाखा का वन पदाधिकारी हम लोग का। सरायकेला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी गणेश महाली ने आज राज्य के वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हेमंत सोरेन के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बीते दिनों हुए राजधानी रांची में होमगार्ड के ऊपर किए गए लाठीचार्ज काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि यह जो 7-8 महीनों से वर्तमान सरकार चल रही है पूरी तरह विफल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की सरकार ने जिस तरह होमगार्ड के ऊपर जो लाठीचार्ज किया है ये काफ़ी शर्मसार है, क्योंकि चुनाव का समय माननीय हेमंत सोरेन जी उनका मैनिफेस्टो में था कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर सरकार बनता है तो होमगार्ड कर्मियों को स्थायीकरण दिया जाएगा, स्थायीकरण किया जाएगा। लेकिन अब सरकार बनने के बाद अब 7-8 महीना होने जा रहा है, ना चुनाव का कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाया है, चाहे आंगनबाड़ी सैया सेविका का बात हो, चाहे पारा टीचर का बात हो, चाहे आपका जो स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र छात्राओं को जो बेरोजगार भत्ता देने का जहाँ तक का बात है, किसी भी एंगल में झारखंड सरकार ने खड़ा उतरने का काम नहीं किया है। यहाँ तक कि बिजली बिल 100 यूनिट तक का बीपीएल परिवार के लोगों को फ्री में देने का वादा किया था, अब फ्री के बजाय अब तो बिजली का दर बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये सरकार यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूलवासी और के लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, झूठा आश्वासन झूठा वादा करके सत्ता तो हासिल कर लिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो किया हुआ वादा एक भी काम को धरातल में उतारने का काम नहीं कर पाया है। ये सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व के हमारे माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो भी विकास का काम हुआ तो उस काम का विरोध करना,
उसका जांच कराना और एक भी नया योजना को धरातल में उतारने का कोई प्रयास नहीं किया है। इसलिए ये सरकार झूठ और फ्रेब का सरकार है, ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है।